गुड इवनिंग बच्चे बच्चे, आज का टॉपिक जो है वो है हमारे पास क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है और इसकी थर्ड वर्कशीट कर रहे हैं। हमने दो वर्कशीट कर ली हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें भी हमने 10-10 क्वेश्चंस किए थे और सभी क्वेश्चंस की ट्रिक्स जो हैं वो मैंने करवाई हैं। और कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे वही हम कर रहे हैं, ट्रिक्स कर रहे हैं मतलब। तो बिना पेन एंड पेपर उठाए आप कर सकते हो अगर आपने अच्छे से उसको समझ लिया तो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारे क्वेश्चन होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 5 सेकंड आपके पास हैं, आप 5 सेकंड लगाओ और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी विल गेट, कहते इस वाले का अगर आप रैशनलाइजेशन करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, हमने यही बताना है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखना, हमारे पास क्या है, 1/√7 -√6, √7 -√6 है। तो आपने क्या करना है, इसका ओपोजिट, इसकी डुप्लीकेट कॉपी उठानी है, डुप्लीकेट कॉपी विद ओपोजिट साइन। तो वो क्या बनेगी, √7 -√6 बन जाएगा, ठीक है जी। माइनस है तो डुप्लीकेट कॉपी विद ओपोजिट साइन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहां ये उठा लिया, डिवाइड बाय स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन कर देना है, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, √7 - +√6 डिवाइडेड बाय √7, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो नीचे बन गया 7, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो नीचे बन गया 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, √7 + √6/1। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है और नीचे स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन कर देना है, डुप्लीकेट कॉपी विद ऑपोजिट साइन, ये वाला साइन जो है ये ऑपोजिट कर देना है। अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब आप कर लोगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब ऑपोजिट, यहां पर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है और हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्या करना है, सेम रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की और यहां पर 1/ सेम है तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्या आएगी, ऑपोजिट साइन वाली, वो आएगी √5 - √2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस है। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आया, माइनस, यहां पर माइनस आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे हमेशा स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन ही रखना है, नीचे क्या रखना है, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन। तो स्क्वायरिंग की सब्ट्रैक्शन किया, यहां पर स्क्वायरिंग की, तो यहां पर क्या बना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, 2 एंड स्क्वायर रूट कट गए ये वाले, है ना। तो नीचे क्या बना, 5 - 3, 5 - 2 नीचे बन गया, तो नीचे बन गया 3, ऊपर है नेगेटिव वाला, तो सी इसका आंसर है। चेक करना, नीचे बन गया है 3, ऊपर है √5, √2 नीचे बन गया 3। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, आई होप आप कर लोगे। हाँ जी, जल्दी 5 मिनट में आपने करना है। आई होप समझ आ रहा होगा। सिंपल क्या है, क्वेश्चन में अगर सिंपल देखा जाए तो क्या है, यहां पर जो साइन है उसका ओपोजिट आएगा। तो ओपोजिट कहां पर पड़ा हुआ है, ये तो सेम रखा हुआ है, ये वाला सेम है, चेक कर लो, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये भी सेम रखा हुआ है, चेक करो, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई आंसर है। अब देखो, ऊपर सही है √7 + √2, नीचे स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन है ना, तो स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन थोड़ा ध्यान से, आज यहाँ पर 2 का स्क्वायर है
पहले स्क्वायर रूट होता था वो कट जाता था, यहाँ पर क्या बना 7 स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के आंसर क्या आ गया 7, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो ये 3 आ गया हमारे पास, नीचे 3 आ गया ऊपर प्लस वाला है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट वीडियो देख लेना फिर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर को क्या करना है हमने रैशनलाइजेशन, तो क्या करना है इसमें क्या है 1/√2, नीचे कोई साइन ही नहीं है, अगर साइन नहीं है तो यहाँ पर ओपोजिट साइन स्क्वायर रूट टू, ओपोजिट कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पर माइनस कुछ होता तो हम प्लस कर देते, अगर प्लस कुछ होता तो माइनस कर देते, यहाँ पर तो ये साइन ही नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट टू डुप्लीकेट कॉपी एज इट इज उठाई ऊपर और एज इट इज नीचे, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, अब ऊपर वाली डुप्लीकेट कॉपी वो बन गई स्क्वायर रूट टू, नीचे स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो स्क्वायर रूट 2/2 आंसर, तो ये आंसर क्या आया डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, समझ आ गया होगा, कर लिया होगा आपने, श्योर है कर लिया होगा, हाँ जी अगर कर लिया तो नीचे बता देना मुझे। हाँ जी, तो क्या है सबसे पहले ये वाला जो नीचे है इसका ओपोजिट साइन आना है, मतलब प्लस है तो माइनस आना है, तो यहां पर भी प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी तो चलो माइनस ही है, अब इसका ओपोजिट साइन क्या आएगा 2 √3, और नीचे अगर मैं बात करूं नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे पास इन दोनों की स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट गए तो बचा 3, तो हमारे पास क्या बन गया √2 − √3/1, तो ये हमारे पास बन गया 2 − √3, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी विल गेट, क्या आएगा रैशनलाइज करना है और आंसर बताना है क्या आएगा, आई होप आपने कर लिया होगा, श्योर है आपने कर लिया होगा, तो सबसे पहले क्या है नीचे वाले का क्या देखना है, ओपोजिट साइन माइनस है तो प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो ये वाला तो कैंसल है, यहां पर भी नेगेटिव है तो ये भी कैंसल है, चलो देख लेते हैं यहां पर, अब इन दोनों में कुछ है, और नीचे जब रैशनलाइज करते हैं ना तो नीचे स्क्वायर रूट नहीं बचता, यहां पर स्क्वायर रूट नीचे फिर बच गया, तो ये भी गलत है, आंसर यही है, ठीक है चेक कर लेते हैं, तो क्या है ओपोजिट साइन दैट इज √3 + √2/, अगर मैं बात करूं नीचे क्या आना था स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर किया तो ये कट गया, माइनस करेंगे 3 − 2 = 1, तो ये क्या बन गया √3 + √2/1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 62 raised to power 1/2, हाँ जी बताओ, आई होप आपको आता होगा, तो सबसे पहले क्या करने होते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करनी होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने 2 मिनट में कर लेना है इसका आंसर, तो यहां पर हमने क्या करना है स्क्वायर रूट, चलो देखते हैं 64 के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं 64 के, तो 64 / 2, सबसे पहले 2 से होगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, फिर 2 से होगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर 2 से होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, आगे इसको और बढ़ा देते हैं 2 से करेंगे तो 8 का 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आंसर क्या है, अब आंसर का मतलब पता क्या है, यहाँ पर क्या है 2 raised to power 1, है ना, यहाँ 2 के ऊपर क्या है 1 है,
यहाँ पर टू के ऊपर क्या है, वन है। इट मीन्स हर एक दो के लिए, हर दो फैक्टर के लिए आपने एक राइट करना है। हर एक दो फैक्टर का आपने एक राइट करना है। मतलब अगर आपके पास दो रुपए हैं तो आपने लिखना है एक, तो यहां पर दो फैक्टर के लिए एक मल्टीप्लाई, फिर दो फैक्टर के लिए एक, यहां पर फिर दो फैक्टर के लिए एक, तो आंसर क्या आ गया, एट आ गया। तो ये हमारे पास ए इसका राइट ऑप्शन है। अगर यहां पर सपोज यहां पर 64 raised to power होता 3/4, सपोज ऐसे होता, मतलब हर एक 4 के बाद आपने कितने लिखने हैं, हर एक 4 फैक्टर के, हर एक 4 फैक्टर के लिए आपने 3 फैक्टर लिखने थे। यहां पर फिर कैसे आना था, 4 फैक्टर मतलब 2 into 2 into 2 आ जाना था, for every 4 फैक्टर मतलब 4 फैक्टर्स के लिए आंसर आ जाना था 3 उसके फैक्टर, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हर एक 5 फैक्टर, एक सेकंड पेन ले लिया, हां जी, इसका मतलब क्या है, हर एक 5 फैक्टर के लिए आपने सिर्फ एक फैक्टर लिखना है, मतलब 5 में से सिर्फ एक उठाना है। तो यहां पर सबसे पहले 32 के फैक्टर कर लेते हैं, 32 के फैक्टर करने हैं, 2 से करेंगे तो 16, देन 2 से करेंगे 8, देन 2 से करेंगे 4, देन 2 से करेंगे 2, देन 2 से करेंगे 1। तो हर एक 5 के लिए आंसर क्या है, हर एक 5 के लिए आपने 5 फैक्टर्स का आपने एक फैक्टर लिखना है। ये टोटली 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का आंसर क्या आएगा, सिंपल टू, सी इसका आंसर है, समझ लग गया होगा। नाइन्थ, आई होप आपको समझ आ गया, अगर समझ आ गया है तो अब ये नाइन्थ क्वेश्चन आपने मेरे से पहले कर लेना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेन उठाना है, पेन उठा के फिर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं 125 के फैक्टर 5 से डिविजिबल है, तो 125 का 25 आ जाएगा, देन 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, देन 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। हर एक क्या है, हर एक 3 फैक्टर के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर उठाना है। तो ये 3 है तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 5, एक फैक्टर आ जाएगा। तो ये ए इसका आंसर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 10th क्वेश्चन, अब बात ये है, अब पता चलेगा किसको समझ आया। समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले 9 के फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से, तो आंसर क्या आ गया, 1, तो 2 फैक्टर आ गए, है ना। उन्होंने क्या बोला, हर एक 2 फैक्टर के लिए आपने कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं, नीचे से चलना है, 2 के लिए 3 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर का आंसर उल्टा 3 लिखना है, मतलब 3 into 3 into 3, तो ये कितना बन जाएगा, 27, ये इसका आंसर है, बी इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर होता 3/2 की जगह पे होता, ऊपर 3 की जगह होता 5/2, तो हमने हर एक 2 फैक्टर के आंसर लिखने थे 5, मतलब 5 फैक्टर कर देने थे, उसके 2 के 5 कर देने थे, यहाँ पर 2 के 3 कर दिए, तो 2 हैं, 2 के 3 कर दिए, 1, 2, 3, तो आंसर 27। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चे, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हो किसी भी टॉपिक की, तो वो आपको यहाँ पर इस चैनल पे मिलेंगी, हमारा जो चैनल है इस पे मिलेंगी शॉर्ट ट्रिक्स। हर एक यहाँ पर क्या है, 9 to +2 के MCQ सीरीज, और ये मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, TGT, PGT, LT, KVS, DSSB, ये सभी जो होते हैं एग्ज़ाम,
इनमें जो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन होता है, मतलब बिना पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, तो उसकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।